तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, आप लोग देख रहे हो शैडो शूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू माई शैडो फैमिली। होप करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। सुबह के बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा खा रहे होंगे और गरम गरम चाय भी पी लिए होंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो को एंजॉय करना बिल्कुल ना भूलना, ओके? पूरा देखना, ओके? तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं योगा डे के बारे में कुछ छोटे से शब्द बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग गेमर से मतलब दिन में बहुत ज्यादा टाइम हम लोग बैठ के खेलते हैं, तो इसलिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है और वहां पे कुछ दिनों बाद पेन होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए हमको पर डे आसपास 30 मिनट तो योगा कर लेना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज है इंटरनेशनल योगा डे, तो सभी लोग मिनिमम 30 मिनट योगा कर लेना दिन में, ओके? और हाँ दोस्तों, बात में खत्म नहीं हुई। आप लोग इससे प्यारे प्यारे कमेंट दे रहे हो, क्योंकि ये मुझे आगे के वीडियो के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करते हैं यार। अगर गेम के एंडिंग में सभी लोग एक ही ग्रेनेड पर मरेंगे तो आपका गेम थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाएगा और अलाइव जीरो दिखाने लगेगा। ओके सर, चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। तो चचा, देख सकते हो यार, यहाँ पे मैं हूँ अकेला। मेरे सामने है तीन लड़कियां और हम लोग मिलके चार होते हैं। मेरे पास है ग्रेनेड और मैंने उसको फेंक दिया, तो चलो यार सभी मरते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या होता है। A few moments later. अरे भाई, हम लोग तो यहाँ पर कब से मर चुके हैं, बट गेम तो अभी तक खत्म नहीं हो रहा है और यहाँ पे अलाइव भी जीरो दिखा रहे। तो हाँ यार, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, गेम खत्म नहीं हो रहा है और यहाँ पे अलाइव भी जीरो दिखा रहा है। And hence the myth is confirmed. अगर आप एक घर के अंदर जाते हो तो आपका फाल्को पेट घर के बाहर ही रहता है। भाई अगर हम घर के अंदर जाए तो हमारा पेट भी तो जाना चाहिए यार। ओके, तो चलो यार अभी करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, ठीक है? तो दोस्त, अभी मैं जा रहा हूं घर के अंदर और देखते हैं क्या ये चिड़िया मेरे साथ आती है कि नहीं। भाई मेरे इतने सारे पेट्स थे, बट ये फाल्को पेट तो सबसे ज्यादा ईमानदार रहा। ये घर के थोड़े अंदर भी नहीं आ रहा है। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। ब्रो, अपडेट के बाद आप एयरशिप के ऊपर भी जा सकते हो, ट्राई करना। जी जी, जरूर ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे नीचे जा रहा है एयरशिप और मैं बिल्कुल ग्लाइडर लेके जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी जाते हैं हमारे एयरशिप के ऊपर और देखते हैं क्या हम उसके अंदर जा पाएंगे कि पहले जैसे नहीं। हाँ यार, तुम्हारा बात तो बिल्कुल 100% सच निकला। अपडेट के बाद हम लोग इजीली जाके एयरशिप के ऊपर रह सकते हैं। आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करना दोस्तों, ओके? एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। अगर आप बंदे को बहुत पास से स्कोप करके मारोगे तो उसका डैमेज शो नहीं करेगा। अच्छा, पास से शो करने से डैमेज शो नहीं करता है? मैंने तो ट्राई नहीं किया था यार। चलो अभी ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं क्या यह मिथ कंफर्म है कि नहीं। ना यार, ऐसी तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे तो डैमेज बिल्कुल परफेक्टली शो कर रहा है। एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। ब्रो, अगर आपके पास सरबोर्ड हो, आपके फ्रेंड को आपके नीचे आने को बोलो, फिर नीचे आते ही सरबोर्ड को चालू कर दो और उसे बोलो वहां से भागने को। अच्छा, ओके। तो दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक होक भाई आ चुके हैं मेरे नीचे और वो खड़े होते ही मैंने ऑन कर दिया अपना सरबोर्ड। और चलो यार ब्लैक होक भाई, आगे थोड़ा भागो, देखते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों क्या ही बताओ यार, इतना ज्यादा मजा आया ना यहाँ पे भाई, बिल्कुल बोल ही नहीं सकता। मैं सिर्फ यहाँ पे सरबोर्ड ऑन करके खड़ा हूँ और ब्लैक हॉक भाई जहाँ भी जा रहे मैं उनके साथ खींचता हुआ चला जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ ये ट्रिक को जरूर आजमाना, ओके? And hence the myth is confirmed. ट्रीटमेंट गन को लो और बोन फायर के अंदर ड्रॉप कर दो और देखो मैजिक। ओके सर, तो मेरे पास है ट्रीटमेंट गन, लगाते हैं बोन फायर और ड्रॉप करते हैं अपने ट्रीटमेंट गन को और देखते हैं यहाँ पे क्या मैजिक देखने को मिलेगा। भाई मुझे तो यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिला, ट्रीटमेंट गन अपने जगह पर है और बोन फायर भी अपने जगह पर चल रहा है। And hence the myth is busted. Male character जब पिस्टल पकड़ता है तो वो अपने पैर के पास रखता है और जब फीमेल कैरेक्टर पकड़ती है तो वो अपने फेस के पास ले जाती है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मेल कैरेक्टर जब पिस्टल पकड़ता है तो वो अपने पैर के पास ले जाता है। हाँ यार, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। तो चलो दोस्तों अभी ले जाते हैं इसको फीमेल कैरेक्टर के पास और देखते हैं वो ये पिस्टल को लेके कहाँ पर रखती है। अरे हाँ यार, तुमने तो फ्री फायर पर पूरा पीएसडी करके रखा है। फीमेल कैरेक्टर जब ये पिस्टल पकड़ दिया है तो ये अपने फेस के पास ले जाती है। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। दोस्तों रेड गेमिंग भाई बोले हैं कि M1014 और AWM का साइज सेम है, तो दोस्त हम लोग ट्राई करे बिना कुछ भी नहीं बोलने वाले। ओके, तो चलो यार इसको भी ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं क्या ये सही है कि झूठ मूड का बात। भाई मेरे हिसाब से तो मुझे लगा कि शायद इन दोनों का साइज सेम है, तो दोस्तों आप लोग भी जरूर बताना कि ये सेम है कि नहीं। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। एंटी मटेरियल गन से कोई भी गाड़ी को मारो एक गोली में फट जाएगा। अच्छा, इतना ज्यादा ताकतवर है? तो दोस्तों आपको जैसे ही पता है कि AWM के एक गोली में गाड़ी नहीं फटता, तो चलो यार इस पे ट्राई करते हैं क्या यह मिथ कंफर्म होता है कि नहीं। हाँ यार, तुम्हारा बात तो बिल्कुल 100% का सच निकला। यहाँ पे मैं जीप, बाइक और दोस्तों लैम्बोर्गिनी पर भी ट्राई कर चुका हूँ और ये तीनों गाड़ी एक एक शॉट में फूट गए। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म। आपका बैग छोटा हो जाएगा अगर आप फीमेल कैरेक्टर को चूज करते हो। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं पहले मेल कैरेक्टर को चूज किया हूँ और देख सकते हो दोस्तों मेरा बैग कुछ इस तरीके का दिखता है और जब मैं फीमेल कैरेक्टर का लेता हूं तो कुछ ऐसे। तो दोस्तों देख सकते हो यार यहाँ पे सभी बैग्स छोटे नहीं हो जाते, कुछ कुछ बैग्स हैं जो कि छोटे होते हैं और नहीं तो बहुत सारे बैग्स ऐसे हैं जो मेल में जितने दिखते हैं फीमेल में भी उतने। एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। तो दोस्तों होप करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों नीचे एक छोटा सा लाइक का बटन है उसे दबा देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे मजेदार से कंटेंट्स डेली लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके मिथ्स पर भी वीडियो बने तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है? और हाँ दोस्तों, अगर आपको मिथ याद नहीं तो कोई बात नहीं, नीचे जाओ, बहुत ही ज्यादा मजेदार मजेदार मिथ है, जो मिथ आपको अच्छा लगता है उस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ठीक है? और जिन मिथ्स में ज्यादा से ज्यादा लाइक्स हुए होंगे हम लोग उसको कल ट्राई करेंगे, ओके? और हाँ दोस्तों बस इतना ही नहीं, जाते जाते आपका भाई आपको कुछ दो शब्द बोल के जाना चाहता है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने लाइफ में इसको जरूर ट्राई करना, ठीक है? जिस समय हम किसी का भी अपमान करते हैं उसी समय हम अपना सम्मान भी खो देते हैं।